पांच महीने की प्रेग्नेंट यामी गौतम ने किया अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट। जी हाँ दोस्तों, यामी गौतम ने किसी को अपनी प्रेगनेंसी की भनक बीते दिनों लगने नहीं दी, लेकिन जब उन्हें एक फिल्म प्रमोशन में देखा गया तब भाई उनके पति ने ही इस बारे में हिंट दे डाले कि वो प्रेग्नेंट है। फिल्म आर्टिकल 370 के ट्रेलर रिलीज के साथ ही यामी गौतम ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो माँ बनने जा रही है। फिल्म मेकर आदित्य धर से शादी के 3 साल के बाद यामी ने फैंस को ये गुड न्यूज दी है। आर्टिकल 370 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी भी दी है कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी। वेल, आपको बता दें कि बीते दिनों जब इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में यामी पहुंची तो इस बीच आदित्य धर भी उनके साथ पहुंचे थे। व्हाइट कलर की ड्रेस पहने यामी गौतम ने बेज कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था, जिसमें यामी अपनी बेबी बम को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से आदित्य धर यामी के कदम से कदम मिला रहे थे, हर किसी ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर कुछ तो बात है कि इस तरीके से यामी गौतम का ध्यान रखते हुए आदित्य धर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म प्रमोशन के दौरान जब यामी गौतम इंटरेक्ट कर रही थी उस वक्त भी आदित्य धर ने यामी को पिलो दिया और यहीं पर एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपनी बेबी के लेकर अनाउंस कर डाला। बता दें कि ये यामी गौतम का फर्स्ट बेबी है और इस बीच यामी गौतम अपने बेबी बम को शानदार तरीके से लॉन्च करती हुई नजर भी आ रही हैं। आप क्या कहेंगे यामी के घर आने वाले इस नए मेहमान पर? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।